नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंक हब यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल चैनल पर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी डबल डबल आवाज आ रही है तो फिर से एक बार शुरुआत करते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और दोस्तों आज से यहाँ पर ये बेसिक कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी बेसिक से सीखना चाहते हैं रीजनिंग तो सारे टॉपिक यहां पर कवर होंगे अगर आप और ज्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं उसके लिए आप ए एल वन जीरो कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा जिससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा आइकॉनिक या फिर प्लस पे आपको ए एल वन जीरो पे डिस्काउंट मिल जाएगा आप ये कोड यूज कर लीजिएगा चलिए तो ये इन के कुछ क्वेश्चन है दोस्तों तो एग्जाम में आपको कभी भी इन इक्वालिटी दिखे पांच नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभार तीन मतलब तीन नंबर मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे एक दो तीन तो तीन नंबर का ये एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है ठीक है तो इस प्रकार से ऐसे पांच क्वेश्चन के सेट होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं हर एग्जाम में आते हैं मतलब शिफ्ट जरूरी नहीं है कि सारी शिफ्ट में आएगा अगर मान लीजिए आर आरबी पीओ का पेपर देने जा रहे हैं तो आर आरबी पीओ का पेपर लगभग दस से बारह शिफ्ट में होता है उन दस से बारह शिफ्ट में से अप्रॉक्स मान के चलिए कि चार से पांच शिफ्ट में ये पेपर आ, में आता ही है चार से पांच नंबर का पांच नंबर मिनिमम ठीक है अब इसके कुछ बेसिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो बेसिक क्या होता है मैं समझा देता हूं आप लोगों को इसमें सॉल्व बाद में करिएगा पहले इधर ध्यान दीजिएगा तो यहां पर देखिए दोस्तों टोटल पांच साइन होते हैं कौन कौन से साइन होते हैं एक साइन होता है ग्रेटर देन का एक होता है लेस देन का एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का एक होता है लेस देन इक्वल टू का और एक होता है इक्वल टू का ठीक अब कुछ इंपॉर्टेंट मिस हुआ नहीं बस अब भी स्टार्ट किए हैं स्वागत मिस कर दिए आप सनी जी तो यहां पर देखिए ये पांच टाइप के साइन होते हैं कुछ लोग दस नॉट इक्वल टू के पीछे भी भागते हैं ये सब बकवास चीजें हैं ये सब करने की जरूरत नहीं आपको, है आपको ठीक है ये आपके काम की चीज नहीं है हटा दो ये सब चीजों को आपको सिर्फ ये पांच साइन से मतलब होना चाहिए इन पांच साइन में दोस्तों आपको एक चीज दिख रही होगी गेट गेट की तरह इसको समझिए कि एक दरवाजा है मैं आप लोगों को डोरमेट कंसेप्ट समझाऊंगा डोरमेट क्या होता है पता होगा सभी को पायदान बोलते हैं जिसको हम घर के दरवाजों के बाहर हम लगाते हैं वेलकम लिखा रहता है पैर साफ करने के लिए बस वही वाला कंसेप्ट हम सीखेंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों ये जो दिख रहा है ये ओपन गेट आपको दिख रहा है ऐसे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है इसमें देखोगे तो इधर से ऐसे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है इस वाले में यहां से ऐसे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है इसमें यहां से दिख रहा है इसमें इधर से और इधर से दोनों तरफ से दिख रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई इधर से ये ओपन है ये वाला इधर से ओपन है ये वाला इधर से ओपन है, ये वाला, इधर से है वाला इधर से भी ओपन है उस तरफ से भी ओपन है तो ओपन किधर से है आपको पता चल गया दरवाजा कहां से खुला है मतलब आप जा सकते हो ट्रेवल कर सकते हो ठीक है अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों ये देखो ये जो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू का ये जो लाइन है ना ये लाइन क्या होती है इसको हम बोलते हैं डोरमेट मतलब दरवाजा खुला है पायदान लगा है दरवाजा खुला है पायदान लगा है पैर साफ करेंगे अंदर चले जाएंगे ठीक है इस वाले में भी देखो भाई दरवाजा खुला है पायदान लगा है अंदर घुसेंगे पैर साफ करके चले जाएंगे इस वाले में भी देखो पायदान लगा हुआ है इतना उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है इतनी चीजें क्लियर है सभी को डोरमेट क्या होता है गेट कौन सा कहां से ओपन कहां से क्लोज समझ में आ गया ऐसी ट्रिक है दोस्तों कि एक मिनट में ऐसे पांच क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे एक मिनट के अंदर पांच नंबर मिलेंगे आपको अगर ये ट्रिक सीख गए तो तो ये चीज क्लियर हो गई सभी को अब देखिए दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को एक बेसिक और चीज बताने वाला हूं दो इंपॉर्टेंट नोट उसको नोट कर लीजिएगा नोट को तो जब भी आपको ऐसा साइन या फिर ऐसा साइन दिखेगा तो आपको क्या करना है ऐसे दो साइन जब भी दिखेंगे तो आपको क्या करना है हर दरवाजे पर नहीं कम से कम एक दरवाजे पर कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए ठीक इस चीज को नोट कर लेना भाई सभी लोग जब भी आपको इस टाइप के दो सिंबल दिखेंगे ग्रेटर देन या फिर लेस देन तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए ठीक है ना अभी मैं समझाऊंगा कैसे करना है पहले आप बेसिक सीख लीजिए लेकिन जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए हर दरवाजे पर डोरमेट होना ही चाहिए कंपलसरी है ये चीज ठीक है तो ये दो चीजों को नोट कर लो स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है आपकी मर्जी वैसे तो दिमाग में बैठा लोगे तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है बहुत ईजी चीज है आप लोगों को यहां पर क्या करना है दोस्तों अब ध्यान से सुनिएगा ग्रेटर देन लेस देन दो साइन आपको जब भी दिखे कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए क्योंकि इनमें डोरमेट नहीं है इसीलिए कम से कम एक दरवाजा जहां डोरमेट ना हो ऐसे केसेस में जहां आपको डोरमेट दिख रहा है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिएगा आप चेक कहां से करेंगे स्टार्ट कहां से करेंगे आप स्टार्ट करेंगे कंक्लूजन से ठीक है हमेशा आप कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे तो कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले अच्छा इक्वल टू वाला भी बता देता हूं जब इक्वल टू वाला है तो हर जगह इक्वल दिखना चाहिए तो इक्वल टू वाला मैंने नहीं बताया वो यहां लिख लीजिएगा वैसे भी दोस्तों आपको पता ही होगा इक्वल अगर दिख रहा है तब तो इक्वल होगा जब दिख ही नहीं रहा इक्वल तो कैसे इक्वल होगा तो आपको जहां पर इक्वल का साइन दिख रहा है तो दोनों इक्वल साइन के बीच में दिखेंगे तभी होगा तो दिख v v दिख तो हो तो अब ये वाले को हम देखते हैं तो इसमें सिंबल कौन सा दिख रहा है ये वाला सिंबल दिख रहा है तो करना क्या है हमको देखो दरवाजा इधर से ओपन दिख रहा है ऐसे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है पी से वी की तरफ तो आपको पी से वी के घर जाना है ये कंक्लूजन का मतलब क्या है ये कंक्लूजन कह रहा है कि पी को वी के घर जाना है क्या वो जा सकता है हाँ या ना आपको ट्रू या फॉल्स बताना है हाँ मतलब ट्रू फॉल्स मतलब नहीं तो क्या पी जो है वो वी के घर जा सकता है ये आपको बताना है तो क्या करेंगे भाई चेक करेंगे पी से निकले ये देखो ये कॉमा है मतलब इसको सेपरेट कर लो अब पी को वी के घर जाना है, कैसे जा सकता है ये देखो पी यहां से जाएगा ओ के घर ओ से जाएगा एच के घर एच से जाएगा वी के घर यहां भी डोरमेट लगा है यहां भी डोरमेट लगा है, यहां भी डोरमेट लगा है। पर इसमें डोरमेट नहीं लगाया तो गलत हो गया ना क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसा साइन कभी भी दिखे कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए याद रखिएगा इस बात को तो यहां पर यह भी गलत यह भी गलत तो इसमें बनेगा इधर और इसी सिर्फ इसी में बन रहा है हर जगह ऐसा नहीं होता इधर और का, ठीक है ना इधर और कब बनता है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को इधर और तब बनता है जब उसके लिए मैं यहां पर अलग से लिख देता हूं इधर और के मैं कुछ केसेस लिख देता हूं इधर और कब बनेगा जब दोनों गलत हो बोथ स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग तो यहां आप देखो दोनों के दोनों रॉन्ग दिख रहे हैं आपको ये भी गलत ये भी गलत दोनों गलत है दोनों के लेटर सेम होने चाहिए तो दोनों के लेटर मतलब ये देखो ये बीच में यहां पर देखो पी दिख रहा है यहां भी पी दिख रहा है यहां वी दिख रहा है यहां भी वी दिख रहा है तो दोनों में लेटर भी सेम है पी वी पी वी दोनों गलत है ये दो केसेस आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं फिर तीसरा केस जो होता है आपका वो होता है मैजिक बॉक्स का तो ये मैजिक बॉक्स क्या होता है दोस्तों ये आप लोगों को कोडेड इनक्वालिटी की क्लास में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा जब भी कोडेड इन की मेरे ख्याल से कली होनी चाहिए तो जब भी होगी क्लास तो उसमें मैं आप लोगों को ये चीज को समझाऊंगा तो अभी फिलहाल के लिए आप बस ये याद रखिए ये मैजिक बॉक्स ऐसा दिखता है ऐसा होता है इसमें कभी भी अगर आपको सेंटर कॉर्नर के सिंबल दिख रहे या तो ये दोनों या तो ये दोनों या फिर डायगनल ऑपोजिट ये वाला ये वाला या फिर ये वाला और ये वाला ठीक है तो दो केसेस कौन कौन से मैंने बताए दोनों के नाम सेम होने चाहिए पी वी पी वी दोनों दिग्ञा को सेम था दोनों गलत है अब दोनों के बीच में जो सिंबॉल्स है उनको चेक करते हैं तो सिंबॉल कौन कौन से थे देखो भाई इज इक्वल्स टू और लेस देन लेस देन इक्वल टू मतलब सेंटर कॉर्नर ये वाला दिख रहा है तो मतलब हमारा इधर और होगा अगर ये वाला और ये वाला साइन होता तो नहीं होता ये वाला और ये वाला होता तो इधर और होता ये साइन ये साइन होता तो भी इधर और होता ये साइन ये साइन होता तो भी इधर और होता ये वाला ये वाला साइन होता तो नहीं होता तो मैंने तीन चीजें चार चीजें बता दी सेंटर कॉर्नर सेंटर कॉर्नर डायगनल ऑपोजिट ये वाला भी डायगनल ऑपोजिट तो बस ये चीज है दोस्तों आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट इसके इनिक्वालिटी के आप फटाफट क्वेश्चन बनाएंगे कुछ डाउट आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा बीच में ठीक है तो यहां पर चलो सेकंड वाले को देखते हैं क्यू से के तक जाना है दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है क्यू से के तक का तो बोल रहा है कि क्या क्यू जो है वो के के घर तक जा सकता है कॉमा वाले को पहले मैं सेपरेट कर लेता हूं एग्जाम में जाके ऐसे स्क्रीन पे मत कर दीजिएगा ठीक है लैपटॉप उस मॉनिटर में ऐसा मार्क मत कर देना जैसा मैं मार्क कर रहा हूं कुछ लोग कर देते हैं एग्जाम देने जाओगे तो देखोगे कहीं टेबल एबल पे आई लव यू वगैरह लिखे रहते हैं कुछ लोग तो ये सब चीजें नहीं करना है एग्जाम हॉल में ठीक है तो यहां पर देखो क्यू को के के घर तक जाना है क्या वो जा सकता है चेक करते हैं तो क्यू अपने घर से निकला सबसे पहले वो एल के घर तक जाएगा ये देखो दरवाजे खुले हुए हैं यहां से ऐसे दरवाजे खुले हुए एल के घर तक पहुंच गया ठीक अब एल के घर से वो के के घर तक ये देखो यहां से जा सकता है ऐसे ये चला गया पहुंच गया भाई Q अपने घर से निकला डब्ल्यू के घर गया डब्ल्यू के घर से निकला एल के घर गया फिर एल के घर से निकला के के घर गया पहुंच गया और हमको जब ये वाला साइन दिखता है तो कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए यहां पर भी देखो भाई ये देखो ये, देखो। ये वाला दिख रहा है इस, इसमें डोरमेट नहीं है ना तो एक दरवाजा क्यू से डब्ल्यू के घर वाला था जिसमें डोरमेट नहीं है मतलब सही है बिल्कुल परफेक्ट ये ट्रू हो गया सेकंड वाले को देखो क्या ओ जो है वो डब्ल्यू के बराबर दिख रहा है तो नहीं दिख रहा हाँ दिख रहा है कैसे दिख रहा है देखो क्वल टू एल और एल इज इक्व टू डब्लू हम ऐसा बोल सकते हैं ओ इज इक्वल टू एल एंड एल इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू से ओ तक इक्वल ट्रू को साइन दिख रहे हैं, मतलब कि ये भी ट्रू होगा आपका ठीक है तो दोनों इसमें सही हो रहे हैं चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा नेक्स्ट का आंसर दीजिए जल्दी से नेक्स्ट वाले का थर्ड वाले का आंसर दीजिए फटाफट तो आप फटाफट क्वेश्चंस बनाएंगे कुछ दस पंद्रह क्वेश्चन बना लेते हैं इतने में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी थर्ड वाले में देखो दोस्तों क्या ए से एच जो है वो इक्वल दिख रहा है तो देखो ए जो है वो बी के इक्वल है पर बी किसी के भी इक्वल नहीं है मतलब ये गलत हो गया आपका ठीक है एन को जी के घर तक जाना है यहां डोरमेट लगा है मतलब हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो एन को जी के घर तक जाना है चलो देखते हैं कैसे एन जी के घर तक जा सकता है एन अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा दरवाजा बंद है ये देखो एन जो है ऐसे निकलने की कोशिश कर रहा है पर दरवाजा बंद है दरवाजा बंद है निकल नहीं पाएगा बाहर से गेट लॉक है मम्मी ने बंद कर दिया तो नहीं जा पाएगा बाहर ये भी गलत हो गया इस वाले में देखो भाई अब ई e को डब्ल्यू के घर जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए चलो देखते हैं भाई तो ई e को डब्ल्यू के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए ई e जैसे ही अपने घर से बाहर निकला ई e जैसे ही अपने घर से बाहर निकला फायदा नहीं है डोरमेट नहीं है गलत हो गया भाई क्यों गलत हुआ क्योंकि हमको ई e से डब्ल्यू तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो अपने घर से जैसे ही निकला डोरमेट नहीं था मतलब गलत हो गया भाई आगे आपको चेक ही नहीं करना है जरूरत ही नहीं क्योंकि और कहीं ई दिख ही नहीं रहा ना ई के घर से और कोई दरवाजा निकलता ही नहीं सिर्फ एक ही दरवाजा निकलता है वाई के घर को जाने के लिए तो आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई ये गलत हो गया इसको देखो ओ को के घर जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए ओ को डब्ल्यू के घर जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो ओ जाएगा वाई के घर ये देखो डोरमेट है यहां पर डोरमेट दिख रहा है ना ये देखो मैं इसको हटा देता हूं रेड वाले को डोरमेट दिख रहा है से तक तो ओ गया के घर डोरमेट था वाई से गया डब्ल्यू के घर डोरमेट मतलब तो था, था।, था।, था तो ओ जो है वो डब्ल्यू के घर पहुंच गया ट्रू हो गया तो ओनली टू ट्रू इसका आंसर बनेगा ओनली टू इज ट्रू ओनली टू फॉलो आपका आंसर बनेगा लास्ट वाले को देखो दोस्तों तो इसमें क्या है इस वाले में देखो आपको क्या दिख रहा है यू इज इक्वल टू ई तो क्या आपको यू इज इक्वल टू ई दिख रहा है तो यू जो है वो एन के इक्वल है और ई e जो है वो टी के इक्वल है तो ये तो पॉसिबल नहीं है ये तो गलत होगा अब देखो ई e को जाना है यू के घर तक हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए ई e को यू के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए देखिए इक्वल्स टू वाले में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं पहले वाले में be, जो है वो ट्रू होगा नहीं होगा क्योंकि जब इक्वल टू आपको दिया रहेगा ना तो हर जगह इक्वल टू ही होना चाहिए आप सिर्फ डोरमेट नहीं देखोगे फिर तब डोरमेट आप सिर्फ इसमें चेक करोगे मैंने इसीलिए बोला ये वाले में कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए ऐसे साइन दिखेंगे तो हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए पर जब इक्वल टू दिखेगा तो हर जगह इक्वल टू ही होना चाहिए तभी होगा वो वरना गलत हो जाएगा तो यहां पर देखो इस वाले में ई से यू तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो ई अपने घर से निकलेगा ये यह देखो यहां से निकला टी के घर तक गया उसके बाद देखो टी से निकला तो ये एन के घर तक गया डोरमेट था यहां भी डोरमेट था बिल्कुल सही है एन से निकला यू के घर गया यहां भी डोरमेट था मतलब ये ट्रू हो गया तो आपका पहला ओनली वन फॉलो इसका आंसर बनेगा किसी को कोई डाउट है किसी चीज में अभी पूछ लीजिए वरना चलेंगे फिर नेक्स्ट वाली स्लाइड पर उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा पंद्रह बीस पच्चीस क्वेश्चन बना लोगे तो उसके बाद फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत आसानी से आप फिर इनइलिटी बना पाओगे इजीली क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लो वहां पर मैं स्टार्ट करूंगा अनकेडमी पर आप अगर फॉलो कर रहे हो तो आप अनकेडमी पर भी कर सकते हो बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल जो मेरा चैनल है उस पर तो मैं दो दो क्लासेस लेना चालू कर दिया हूं क्लासेस काफी सारी ले रहा हूं दोस्तों बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी क्लासेस देखते हो कोई साइन नहीं होना चाहिए इक्वल टू में हाँ कोई साइन नहीं होना चाहिए सिर्फ इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू ही दिखना चाहिए बीच में हर जगह देखो इक्वल टू वाले में डाउट आ रहा है बोल रहे हैं देखो यहां पर आप देखो ना जैसे ओ से डब्ल्यू तक जाना था यह ट्रू है आप इस वाले पे फोकस करो ओ को डब्ल्यू तक जाना था इक्वल है तो इसमें आप जब ओ से निकलोगे ये देखो ओ से एल तक गए इक्वल टू का साइन था एल से डब्ल्यू गए यहां पर भी इक्वल का साइन था मतलब दोनों जगह इक्वल का साइन दिखा ना तभी ये ट्रू होगा तो वैसे ही बोल रहा हूं कि जितने भी दरवाजे वो क्रॉस करेगा वो हर दरवाजे डबल डोर होने चाहिए भाई सिंगल डोर होता है घर पे ऐसा समझ लो एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं सिंगल डोर होता है ऐसा वाला जो एक दरवाजा होता है ऐसे खुलता है कुछ जो मेन गेट होते हैं किसी किसी के घर के वो डबल डोर होते हैं ऐसे दोनों दरवाजे खुलते हैं इक्वल टू जो है वो डबल डोर है आप इस तरीके से मान लो जो इक्वल टू है वो डबल डोर है दोनों तरफ से खुलता है ऐसा दो दरवाजे दो पल्ले लगे हुए हैं उसमें समझ में आ रहा है तो जब भी इक्वल टू अगर आपको दिया जाएगा तो आपको क्या करना है आपको डबल डोर दिखना चाहिए हर जगह एक नया कंसेप्ट बन गया चलो यहां पर लिख देते हैं भाई इक्वल टू वाला हर दरवाजा डबल डोर होना चाहिए बढ़िया यार ये तो अच्छा कंसेप्ट आ गया हर दरवाजा डबल डोर होना चाहिए ठीक है याद रखिएगा इक्वल टू वाले के लिए ओ से डब्ल्यू तक जाना था ओ से एल तक गए डबल डोर है एल से डब्ल्यू तक गए डबल डोर है चलो बढ़िया चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मेरे ख्याल से इसमें किसी को डाउट नहीं है एक का सेकंड कंक्लूजन एक का सेकंड एक का सेकंड एक के सेकंड में डाउट है कुछ बोल रहे हैं तो भाई देखो पी को वी के घर तक जाना है ठीक है पी को वी के घर तक जाना है हर दरवाजे पर हर दरवाजे पर नहीं ये वाला है ना ये वाला साइन है ये वाला कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेंट नहीं होना चाहिए तो भाई जब पी जो है वो वी के घर जा रहा है तो कौन कौन से सिम्बॉल दिख रहे हैं ये देखो पी से गया ओ तक तो ये वाला साइन दिखा हमको फिर ओ से गया एच तक तो ये वाला साइन दिखा हमको मतलब इस तरफ से जा रहा है ना ऐसा तो ये वाला साइन दिखा फिर एच से गया वी तो ये वाला साइन दिख रहा है आपको क्या बोला है आपको बोला है पी से वी तक जाना है कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए यहां भी डोरमेट है यहां भी डोरमेट है यहां भी डोरमेट है, है तो गलत हो गया ना अगर मान लो अगर मान लो जैसे पी से यहां तक जा रहा है ना अगर ये ये वाला सिंबॉल ना होकर सिर्फ ये सिंबॉल होता तो ये ट्रू हो जाता क्योंकि इस पर डोरमेट नहीं है हमको कम से कम एक दरवाजा चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो ठीक इधर केस और आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा पहले आप लोग इसको बनाओ जल्दी से चलो ट्राई करो गलत होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गलती हर किसी से होती है ट्राई करिए जल्दी से पांचों क्वेश्चन बनाइए दो तीन मिनट का समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को उसके बाद मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन करूंगा देखते हैं फिर कितने लोगों का सही है कितने लोगों का गलत है और जो गलती हुई होगी तो उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा रोज एक घंटे की होगी देखो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर अगर जल्दी चीजें समझ जाओगे आप लोग तो हो सकता है कि क्लास 40 मिनट में खत्म हो जाए अगर नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है क्लास एक से डेढ़ घंटे भी चले जाए तो वो डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप कितनी जल्दी समझते हो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक क्लास चलती रहेगी जब मुझे लगेगा कि हाँ आप लगभग लोग समझ चुके हैं तो उसके बाद क्लास खत्म चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने ट्राई किया होगा अब इधर ध्यान दीजिए दोस्तों आंसर देखते जाइएगा एम को जाना है एन के घर तक ठीक है एम को जाना है एन के घर तक तो यहां पर देखो एम जो है वो अपने घर से निकलेगा एल के घर जाएगा एल के घर से निकलेगा और एन के घर तक जाएगा ये यह देखो यहां से ये यह दरवाजा खुला था एल तक फिर एल से देखोगे तो एल से सी भी खुला है सी से एन भी खुला है लेकिन यहां भी डोरमेट है यहां भी डोरमेट है यहां भी डोरमेट है तो ये गलत हो गया क्योंकि हमको जो सिंबल दिया इस सिंबल के लिए मैंने क्या बोला था कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए बट यहां तो हर जगह डोरमेट दिख रहा है तो गलत हो गया अब देखो एम से एन तक जाना था एम इज इक्वल टू एन आपको दिख रहा है क्या भाई नहीं दिख रहा ये आपका इधर और हो गया अच्छा इधर और कैसे होता है फिर से बता रहा हूं इधर और के लिए कुछ लोगों को नहीं समझ में आया था देखो इधर और का सबसे पहला केस जो होता है पहला केस क्या होता है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग शुड बी रॉन्ग जो भी बोलो इतना इंग्लिश नहीं आता मुझे शुड भी होना चाहिए वैसे तो सेकेंड बोथ लेटस शुड बी सेम देखो क्या है भाई दोनों रॉन्ग होना चाहिए जैसे ये भी गलत है ये भी गलत है ठीक है हमने एक बार चेक कर लिया भाई ये वाला भी गलत है ये वाला भी गलत है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ठीक दूसरा बोथ लेटर शुड बी सेम क्या दोनों लेटर सेम दिख रहे हैं मस्ट होगा होगा क्या करना है अपने को तो एम से एन एम से एन मतलब एम और एन सेम है यहां पर बोथ लेटर सेम होने चाहिए दोनों सेम है दोनों गलत है ये भी फॉलो कर रहा 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 है तो जब दोनों ये कंडीशन फॉलो करती है ना तब आपको चेक करना होता है मैजिक बॉक्स मैजिक बॉक्स ऐसा होता है याद रख लीजिएगा ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन लेस देन इक्वल टू बीच में होता है इक्वल टू तो इसमें आपको चेक करना है सेंटर कॉर्नर यहां पर आपको चेक करना होता है सेंटर कॉर्नर सेंटर लेफ्ट कॉर्नर भी आप बोल सकते हो इसके अलावा दूसरा जो चीज चेक करना होता है वो होता है डायगनल तो डाय डाएग, डाय डायगनल दिखाऊ ना जो और मत समझ लेना तो डायगनल ऑपोजिट होना चाहिए ठीक है अब यहां पर देखो भाई डायगनल ऑपोजिट मतलब कौन कौन से ये वाले दो सिंबल या फिर ये वाले दो सिंबल हमको यहां पर कौन कौन से सिंबल दिख रहे हैं देखो एक ग्रेटर देन एक इक्वल टू एक ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब सेंटर लेफ्ट कॉर्नर बोल सकते हैं ये देखो तो इसलिए इसमें होगा हमारा ईधर और तो ये इधर और का केस है याद रखिएगा पहला होता है बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग दोनों रॉन्ग होने चाहिए ये भी गलत ये भी गलत दूसरा होता है दोनों लेटर सेम होने चाहिए भाई यहां भी एम है यहां भी एन एम एन यहां पर भी है यहां पर भी एम एन है तीसरी चीज होनी चाहिए ये सेंटर कॉर्नर वाला सिंबल आपको दिखना चाहिए इसमें गलतियां अभी होगी आप लोगों से क्यों गलती होगी वो भी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा ठीक है तो अभी फिलहाल इसको आगे आगे चलते हैं हम इसको आगे बनाते हैं तो ये वाला सेकंड वाले को देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ ये भी गलत ये भी गलत ये इधर और आ गया ठीक है इस वाले को देखो सी को आर तक जाना है सी को आर के घर तक जाना है क्या वो जा सकता है देखो सी से ओ तक जाएगा ओ से एन तक जाएगा एन से आर तक जाएगा यहां भी डोरमेट यहां भी डोरमेट यहां भी डोरमेट मैं ऐसे बना देता हूं ये देखो तो जितने भी दरवाजे क्रॉस कर रहे हर दरवाजे पर डोरमेट है हमको तो ऐसा कंडीशन था कि सिंगल डोर वाला होना चाहिए भाई ठीक है डोरमेट नहीं होना चाहिए एक डोरमेट कम से कम एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जिसमें डोरमेट ना हो भाई ये तो गलत हो गया इसको देखो एफ को एल तक जाना है तो एफ जो है वो एल तक कैसे जाएगा एफ निकल ही नहीं पाएगा घर से बाहर क्योंकि दरवाजा बंद है ये देखो ये दरवाजा ऐसा बंद है तो बंद है तो कैसे तोड़ थोड़ी निकलेगा दया थोड़ी नहीं है नहीं निकल सकता भाई ये भी गलत हो गया तो नीदर नॉर इसका हो गया नीदर अच्छा आप काफी लोग बोलेंगे सर नीदर कब होता है इधर कब होता है अरे भाई अब भी जस्ट बताया हूं जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम मैजिक बॉक्स में चेक करते हैं इधर हो जाता है अब इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही ना पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दोनों गलत है दूसरी कंडीशन क्या थी दोनों लेटर सेम होने चाहिए यहां पर देखो सी आर एल एफ अलग अलग लेटर है ना तो सेकंड कंडीशन जो मैंने लिखा था वो फॉलो नहीं कर रहा फॉलो नहीं कर रहा मतलब नीदर होगा बहुत सिंपल है इधर नीधर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इसमें आपका बनेगा नीदर नीदर वन नीदर टू थर्ड वाले को देखो एम से एस तक जाना है तो कैसे जाओगे भाई एम से एस तक ये देखो एम से ई e तक जाएंगे पहले फिर टी तक जाएंगे फिर टी से एस नहीं जा पाएंगे देखो टी से एस जाने के लिए दरवाजा बंद है गलत हो गया टी e से एस नहीं जा पाओगे क्योंकि दरवाजा बंद है गलत हो गया इस वाले में देखो ई e को ए के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो ई e जो है पहले ऐसे टी के घर जाएगा ये देखो डोरमेट लगाए फिर टी से ए के घर जाएगा यहां पर भी डोरमेट लगा है मतलब ट्रू हो गया तो इसमें ओनली टू आपका आंसर बनेगा ठीक है इसमें आपका ओनली टू आंसर बनेगा चेक कर लीजिएगा दोस्तों जिसने भी बनाया है अब इस वाले में देखो सी इज इक्वल टू एल तो क्या आपको सी से लेकर एल तक पूरे इक्वल टू के साइन दिख रहे हैं ओ इज इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन एल नहीं दिख रहा मतलब ये गलत हो गया सी को जाना है एल के घर तक तो सी को अगर एल के घर तक जाना है कैसे जा सकता है ये देखो पहले सी जो है वो वाई के घर तक जाएगा सी जो है अपने घर से ऐसे निकला वी के घर गया फिर वाई के घर गया फिर वाई से ऐसे एल के घर चला गया तो पहुंच तो जा रहा है लेकिन गलत होगा क्यों गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि देखो यहां पर भी डोरमेट यहां पर भी डोरमेट यहां पर भी डोरमेट तीनों जगह डोरमेट हो गया हमको कम से कम एक दरवाजा ऐसा चाहिए था जिसमें डोरमेट ना हो भाई जो क्लास शुरू से नहीं देख रहे हैं ना हो सकता है उनको समझ में ना आए लेकिन मैं गारंटी देता हूं जो शुरू से देख रहा है अभी तक आप लोगों को 95 फाइव परसेंट इनिकवालिटी जो है वो समझ में आ चुका होगा और आप विद इन टेन टेन अभी सॉल्व भी कर पा रहे हो ये भी गलत ये भी गलत अब क्या करेंगे दोस्तों जब दोनों गलत होता है तो हमारा एक कंडीशन तो पहले सेटिस्फाई हो गया दोनों गलत है तो दूसरा कंडीशन क्या होता है दोनों में लेटर सेम दिख रहे हैं क्या सी एल सी एल बिल्कुल दिख रहा है मतलब इसमें ईधर और का मैजिक बॉक्स हम चेक करेंगे मैजिक बॉक्स कैसा होता है ऐसा होता है ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन लेस देन इक्वल टू बीच में इक्वल तो साइन देखो कौन कौन से दिख रहे हैं इक्वल टू और लेस देन वाला मतलब ये वाला तो सेंटर कॉर्नर मतलब डेफिनेटली यहां पर आपका इधर और होगा अब लास्ट वाले को देखते हैं दोस्तों तो लास्ट वाले में देखो टी को एल के घर तक जाना है हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो टी को एल तक जाना है कैसे जाएगा ये देखो टी से एच तक गया डोरमेट था फिर एच से पूरा एल तक गया यहां भी डोरमेट यहां भी डोरमेट दोनों खुले हुए हैं दरवाजे मतलब ट्रू इसमें देखो सी को बी के घर तक जाना है तो सी को बी के घर तक जाना है कैसे जाएगा भाई देखो यहां पर सी जो है पहले वो जाएगा एच के घर दरवाजा खुला हुआ है फिर एच से इधर नहीं आ पाएगा क्योंकि दरवाजा बंद है ये यह देखो यहां पर बंद है दरवाजा नहीं आ पाएगा मतलब गलत तो ओनली वन इसका आंसर बनेगा आपको सिर्फ ये देखना है कि दरवाजा खुला है कि नहीं जा सकते हो कि नहीं और दो चीजें देखनी होती है कि कब हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए और कब कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं चाहिए तो ये दो चीजों को चेक करते हुए चलना इनइक्वालिटी आपका फिक्स उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को अभी इन में कोई दिक्कत नहीं आएगी नहीं होगी चलिए थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होती भी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी बैठा हूं भाई मैं दिक्कत होगी तो और कोई क्लास में बता दूंगा फिर जल्दी से पांच क्वेश्चन के आंसर बनाइए एक मिनट का समय है डेढ़ मिनट दो मिनट का समय है चलो अभी काफी लोग नए होंगे तो दो मिनट का समय है जल्दी से आंसर बनाइए इसका चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं सॉल्व हो गया होगा सर नंबर नाइन ओनली वन होगा नंबर नाइन में इधर और है ना नंबर नाइन में ओनली वन कैसे होगा भाई सी इज इक्वल टू एल पूछा है आपसे ये देखो ना एल के इधर भी इक्वल टू का साइन नहीं है इधर भी इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कैसे बोल दे रहे हो डबल डोर चाहिए ना भाई बीच में सी से लेकर एल तक आपको हर जगह डबल डोर चाहिए नहीं दिख रहा तो नहीं होगा करण जी आप सिर्फ और सिर्फ पजल की क्लासेस जो मेरी है उनको आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो आपको पजल बनाने में बहुत हेल्पफुल हेल्प help मिलेगी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी पजल्स में आप स्टार्ट कर दीजिए उसको चलो तो इसको बनाते हैं दोस्तों देखो यहां पर क्या है के से लेकर ओ तक जाना है तो के को ओ तक जाना है के से एल तक जाएंगे लेकिन एल से फिर आप ओ नहीं जा पाओगे दरवाजा बंद है मतलब ये गलत हो गया एफ को एस तक जाना है तो भाई एफ जो है वो पहले ओ के घर तक जाएगा फिर एल के घर तक जाएगा ठीक है फिर एल से वो एस के घर जाएगा तो ये ट्रू हो गया ओनली ओनली फॉलो आपका आंसर बनेगा ठीक है इस वाले वाले में में देखो दोस्तों सेकंड सी से आई तक जाना है तो सी को अगर आई तक जाना है तो क्या करेगा भाई ये सी जो है वो पहले तो पी तक जाएगा फिर पी से आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि दरवाजा बंद है देखो दरवाजा बंद है नहीं जा पाएगा तो गलत हो गया एफ को एन तक जाना है एफ तो एन तक जाने के लिए क्या करेगा पहले तो एफ जो है वो पी के घर आएगा फिर पी से टी के घर जाएगा फिर टी से एन के घर जाएगा तो ये ट्रू हो गया इसमें भी ओनली टू आपका आंसर बनेगा उसके बाद देखो इसमें एल से वाई तक जाना है तो एल से वाई कैसे जाएंगे एल से पहले जाएगा ये ई तक एल से टी टी से ई e, फिर ई e से जाएगा वाई तक तो ये ट्रू हो गया टी को जाना है क्यू तक तो टी को क्यू तक जाना है कैसे जा सकता है भाई टी क्यू तक देखो टी जो है पहले तो ई तक जाएगा ई से फिर वाई जाएगा वाई से क्यू जाएगा तो ये भी ट्रू यानी बोथ फॉलो सही है यहां तक सभी का यहां तक सभी का सही है इसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है एन को जाना है एच के घर तक कैसे जाएगा भाई एन एच के घर तक देखो यहां पर एन जो है पहले जाएगा वो ई e के घर फिर ई e से जाएगा एच के घर ये ट्रू हो गया टी को जाना है आर के घर हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए टी को जाना है आर के घर हर दरवाजे पर डोरमेट होना चाहिए तो टी जो आई के घर गया डोरमेट था आई से ई के घर गया डोरमेट था से के घर गया डोरमेट था तो टी जो है वो आर के घर तक पहुंच गया हर जगह डोरमेट है मतलब ट्रू बोथ फॉलो इसमें देखो टी को एन के घर तक जाना है तो टी जो है वो एन के घर तक कैसे जा सकते देखो टी जो है ओ तक तो चला जाएगा बट ओ के बाद दरवाजा बंद है आगे नहीं जा पाएगा तो गलत हो गया E को W के घर तक जाना है तो E जो है पहले वो क्या करेगा E जो है वो यहां से O के घर तक आ जाएगा लेकिन अब O के बाद दरवाजा बंद है तो दरवाजा बंद है मतलब गलत हो गया तो नीदर इसका आंसर बनेगा नीदर क्यों दोस्तों क्योंकि इसमें T और N है इसमें W और E है इसमें T और N है इसमें W और E है तो नीदर उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कितना अच्छे से समझ में आया जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट पीडीएफ इसकी आप लोगों को मिल जाएगी अन अकेडमी पर इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को अनकेडमी ऐप पर मिल जाएगी अनकेडमी ऐप पर मेरी प्रोफाइल फॉलो कर लीजिएगा प्रोफाइल फॉलो अंकुश लांबा सर्च करना फॉलो कर लेना तो मेरा जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पर भी -A -N -K -E -R -S ठीक है तो डेली एक एक टॉपिक होगा दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें सिखाऊंगा रीजनिंग अगर आप लोगोंकेडमिक प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर पूरी चीजें जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं क्योंकि दो दिन में भी रीजनिंग सीखा जाता जा सकता है ना आप दो दिन में पूरा प्रीलिम्स का रीजनिंग सीख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आगे अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं तो वो चीज अगर आप करना चाहते हैं तो आप अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इसमें मेरे सारे वीडियोज पहले से ही अवेलेबल है पुराने जितने भी कोर्सेस है पहले से ही अवेलेबल है अगर आप इसमें लाइव क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए बाईस तारीख से मेरा वैसे भी कोर्स चालू हो रहा है और इसमें मेरे दोस्तों पचास से ज्यादा कोर्सेस आपको मिल जाएंगे अलग अलग क्वेश्चन वाले सब में अलग अलग क्वेश्चन हैं एडवांस लेवल के भी हैं मेन्स लेवल की बहुत सारे कोर्सेस है कम से कम 20 तीस मेंस लेवल के कोर्सेस है तो वो सारे के सारे कोर्सेस वगैरह आप देख सकते हैं अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए दोस्तों ए एल वन जीरो कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा और कम्युनिटी फॉलो करना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो उसके लिए भी जो फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड कर रहा है आपको एक अनलॉक कोड पूछेगा उसमें आप ये वाला कोड लगा दीजिएगा अनलॉक कोड तो ये अनलॉक कोड भी है और डिस्काउंट कोड भी है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक कल का कौन सा है अब ये दोस्तों एक बार शेड्यूल में चेक कर लीजिएगा मुझे खुद ही याद नहीं है क्योंकि मैंने ये शेड्यूल मैंने ये शेड्यूल बहुत पहले दिया था पंद्रह बीस दिन पहले मैंने ये शेड्यूल दिया था तो मुझे खुद याद नहीं है कि कल कौन सी क्लास है एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन सी क्लास होने वाली है मेरे ख्याल से कोडिंग डिकोडिंग होगा या तो कोडेड इन इक्वालिटी होगा कोडिंग डिकोडिंग की क्लास है दोस्तों कल ठीक है तो कोडिंग डिकोडिंग की भी एक जबरदस्त ट्रिक सिखाऊंगा कल रात आठ बजे जरूर आइए अपने दोस्तों को भी बुलाइए भाई जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करते हैं उनको भी बुलाइए ताकि वो भी सीख सके चीजें रिकमेंड कर दीजिए ज्यादातर लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में जुड़ सकें ऑल द बेस्ट तो मिलते हैं फिर कल कल की क्लास में थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट